हमारा दो साथी गिरिडीह से दोनों मारे गए एमसीसी के द्वारे। एमसीसी के खिलाफ हम लोग करते थे, हमको लगता है उसी में जाके शामिल हो जाना पड़ेगा। लोग कहता है कि हेमंत हो तो हिम्मत है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हेमंत है तो जीरो है। अब हम लोग जो गुप्त सूचना जो दिए एमसीसी के विरुद्ध दिए, वो हम लोग को एक चेक करके चुन के मार रहा है। हम लोग छिप छिप के काम कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं तो हमको डर से आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से झारखंड राज्य सेवा विमुक्त चौकीदार संघ धरना पर बैठे हैं। इसकी सुध कोई लेने नहीं आ रहा है, ये डरे भी हैं। इनका कहना है कि सरकार के कहने पर हम लोग एमसीसी का गुप्त सूचना भी सरकार तक पहुंचाए, और आज एमसीसी के लोग हमारे साथियों को खोज खोज के मार रहे हैं, लेकिन सरकार चुप बैठी है। हमारे लिए नियुक्ति तो दे नहीं रही है, ऊपर से सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर रही है। हम लोग झारखंड सरकार बनने से पूर्व सेवा विमुक्त चौकीदार की मामला उनके संज्ञान में गया था, जब समय हेमंत सोरेन सरकार नहीं बनी थी। बनने के बाद भी हम लोग उनके पास गए, वो बोला कि आप लोगों का मामला उचित है, आप लोगों का मांग जायज है, आप लोगों का काम हम करेंगे। लेकिन लोग कहता है कि हेमंत हो तो हिम्मत है, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हेमंत है तो जीरो है, क्योंकि हम लोग सेवा विमुक्त चौकीदार ऐसा स्थिति में आ गए हैं कि नहीं मेरा छोटा छोटा जो बच्चा है वो पढ़ा पा रहे हैं, नहीं तो कोई जिनका बड़ा बच्चा वो शादी कर पा रहा है, नहीं तो कोई कुछ कर पा रहा है, सब रोड पर है। जिसमें कि हम लोग सरकार जो नियम बनाए वो सरकार अपने नियम को नहीं फॉलो कर रहा है, मान नहीं रहा है। उस नियम में हम लोग को रख लिया और कहता है फिर जाओ। मान लीजिए कोई भी आदमी जो है वो बच्चा पैदा करता है तो उनको पालन पोषण करता है, दवा दारू कराता है, लेकिन उसको मारता नहीं है। लेकिन यह सरकार क्या किया, हम लोग को ला के रोजगार दे के आप कहता है तुम लोग जाओ काम, बेधनिक तरीके से काम करा लिया, CPF खुला, सर्विस बुक खुला, पैन कार्ड बना, सारा कुछ बनने के बाद आज सरकार हम लोगों को सुनवाई नहीं कर रही है। ये सरकार हमको भी लगता है कि BJP से भी ज़्यादा खराब है। BJP एक कहता था कि शोषण करता है, लेकिन हमको लग रहा है कि ये मीठी छुरी जैसा उससे ज़्यादा तेज और धारदार है, जो कि हम लोगों को कत्ल करके रख दिया। यानी कत्ल दो तरह का होता है, एक जान से मार देना, एक रोजगार से मार देना। जिसने हम लोगों को रोजगार से मार दिया, जिसमें कि अभी क्या कहता है कि चौकीदार की नई वैकेंसी करके हम लेंगे, अब हम लोग उस वैकेंसी के माध्यम को, हमको वैकेंसी मैं मना नहीं करता हूँ, हम कहते कि हम पहले जब आपके यहाँ आए हम काम किए, अब हमारे जगह आप दूसरे को लाइए, क्या हमसे बेहतर काम करेगी? हमको सारा कुछ अनुभव हो चुका है कि हम मान लीजिए कि मृत लोगों को उसको उठा के पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं, डाक डिप्टी करते हैं, हमारा काम जो नहीं भी है उसमें भी हम लोग तत्पर रहते हैं, वो भी करते हैं, विशेष छापामारी जो कि हमारा काम नहीं है, विशेष छापामारी किए। हम लोग का स्थिति यह है कि हम लोग विशेष छापामारी करने के कारण, विगुप्त सूचना देने के कारण हमारा दो साथी गिरिडीह से जोगेंद्र तुरी एवं राजेश यादव दोनों मारे गए MCC के द्वारे। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि हम लोग का रवैया इसी तरह रहा, प्रत्येक अब हम लोग जो गुप्त सूचना जो दिए MCC के विरुद्ध दिए, वो हम लोग को एक चेक करके चुन के मार रहा है। हम लोग छिप छिप के काम कर रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं तो हमको डर से आ रहे हैं, छिप के आ रहे हैं, तो ऐसी सरकार से हम क्या आशा रखें, जो हमारा सुरक्षा भी नहीं रख पा रहा है, हमारा रोजगार छीन रहा है, हमारा रोजगार देने के बाद छीन रहा है। अब हम लोग उग्र आंदोलन करने के कगार पर हैं ना, हम लोग को यदि रोजगार नहीं मिला तो फिर हम लोग का क्या उपाय है? जो MCC के खिलाफ हम लोग करते थे, हमको लगता है उसी में जाके शामिल हो जाना पड़ेगा, और सरकार को ईंट से ईंट बजा देना होगा। हमको लग रहा है कि ये इनको आने के बाद एक तरह से BJP के सरकार में सब अफसर डरते थे, लेकिन इनके सरकार में अफसर इन पर भारी पड़ रहा है, ये उन पर भारी नहीं पड़ सकता है, तो हम लोगों का काम कैसे होगा? ये तो हमको लगता है कि हम लोग गलत कर चुके, आने वाले समय में इनको गलत जो हम लोग किए इसको सुधी करते हुए इस सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। हमारे 450 चौकीदार जो सेवा से विमुक्त कर दिया गया है सरकार, हमारा आश्वासन समिति कमेटी में गठन किया गया था, जो स्पीकर महोदय जी अपने खुद अपना समय कक्षा में देख रहे थे, जिसमें गृह विभाग को बुलाया गया और दीपिका पांडे सिंह मैटर को उठाए थे विधानसभा में, और इस मैटर को आश्वासन समिति में डाल दिया गया था, और स्पीकर महोदय जी अपने कक्षा में खुद वो अपने देख रहे थे इस मैटर को, सेवा विमुक्त चौकीदार को, उसमें गृह विभाग राजीव रनेका को बुलाया गया, और उसको बहुत दिन से हमको लगता है 2-2.5 साल से दर दे दिन, मतलब हर मीटिंग को
जिस तरह कोर्ट चलता उसी तरह वहाँ पर विधानसभा भी चल रही थी। तो लास्ट में डिसीजन आया, स्पीकर महोदय जी डिसीजन दिए कि इन लोग को सेवा विमुक्त चौकीदार को 15 दिनों के अंदर पदस्थापित करके विधानसभा को हमें सूचित कीजिए। उसमें प्रोजेक्ट भवन में लेटर भी चला गया। उसके बाद 15 दिनों क्या, हमको लगता है 45 दिन हो गई, फिर भी नहीं मिली। उसके बाद फिर एक बैठक हुआ, उसमें फिर गृह सचिव आए। उसके बाद वो बोले कि नहीं सर, थोड़ा इसमें प्रक्रिया लगता है, हमको 3 महीना का टर्म दिया जाए। 3 महीना भी गुजर गई, 5 महीना हो गई, अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं हुई है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।